हाय गुड आफ्टरनून, आज मैं हिंदी और पंजाबी में आपसे बात करूंगा। और देखो मेरे साथ कौन है, ये हैं शेफ शेरी मेहता, जिनकी लीनियज बैकग्राउंड बड़ी कमाल की है। अपने आप को ये हिमाचली कहती हैं, बट इनकी जो दादके हैं और नानके हैं वो सारे अर्स्टवाइल या अनडिवाइडेड पंजाब से हैं। पेशावर और लाहौर का इनकी बैकग्राउंड है और रावलपिंडी भी बीच में है, तो मेरे साथ भी वही है। मेरी बैकग्राउंड भी रावलपिंडी और अमृतसर है, और उसके बाद मैं भी हिमाचल, शिमला नहीं सोलन पहुंच गया, तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। आज हमने सोचा कि आपको अनडिवाइडेड पंजाब की एक रेसिपी खिलाएंगे और एक हिमाचली रेसिपी खिलाएंगे। तो पहले शेरी जी मुबारक हो, वेलकम टू शेफ पिन स्टूडियो, एंड आई विश यू ऑल द लक एट कुकिंग टुडे। आई एम गोइंग टू बी योर हेल्पर, योर सूस शेफ टुडे। नथिंग कैन बी ग्रेट देन दैट, हैविंग रॉकी सर विद मी एंड वी बोथ क्रिएटिंग मैजिक हियर। सो ऑफ यू गो माय डियर, अप टू यू एंटायरली। देयर वी आर, सी दिस इज द जॉब ऑफ अ सूस शेफ, कढ़ाई चुक के इधर रख दे। सो जिवें साढ़े पंजाबी खाने च सारे सोचते ने कि असी दाल मखनी और बटर चिकन तो अगे वधे ही नहीं, मेरा ये कहना है कि वो तो साडा खाना कभी सीगा ही नहीं, साडा खाना उस तो बहुत अगे है और बहुत ही सिंपल और क्लीन है। वो तुहानू आज पता लगेगा साड़ी एक बहुत ही वधिया रेसिपी दे नाल, असी दोनों कनैक्ट करने हैं उस फूड दे नाल, बिकॉज उहदे विच मिनिमल स्पाइसिस, क्लीन फ्लेवरस और तुहानू सिर्फ गोशत दा टेस्ट आएगा, ये मेरा वादा है। देखो जी कुड़ी कहती है गोश्त, कोलोकियल स्टाइल ऑफ स्टेइंग गोश्त। पहले तो मैं राज की देसी घी पावांगी, उहदे च कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिहड़ा स्वाद है ना वो घ्यो ते मक्खन नाल ही आंदा है। एवें नहीं कहंदे कि मावां ठंडियां छावां क्योंकि वो रज रज के सानू मक्खन खवांदियां ने परांठे दे नाल। आई थिंक घ्यो हुण गर्म हो गया, ये ना चर्बी है, लोगों को पता नहीं है कि की जड़ी टेक्निक है बनाने की अनडिवाइडेड खाना और की उन्हें जड़ी चीज़ है स्वाद बनाती है, वो है एक सीक्रेट इनग्रीडियंट। सो असी पहले दे चर्बी पावांगे, इतने सारा हिसाब उल्टा होने वाले है, असी पहले ना मसाले नहीं भुनन वाले, असी पहले गोश्त भुनन वाले, असी इतने चर्बी पाती है हूँ। आ वेखो हुण चर्बी थोड़ी जी गलन लग गई है, हुण इहदे विच असीं गोश्त पावांगे, देखो किन्ना वधिया गोश्त है। जिहड़ी भी कुकिंग असीं इत्थे करने आ ना, असीं पहले मसाला भुन्ने आ, बट अनडिवाइडेड पंजाब दी जिहड़ी मैक्सीमम रेसिपीज ने उहदे विच असीं पहले गोश्त या मुर्गे नूं पकाने आ। वैसे ज़्यादा तो गोश्त ही बनता है उत्थे, मुर्गा तो बहुत ही घट लोग खाते हैं। हेलो जी, असी इनू थले लगन तो बचा रहे हैं। हाँ जी, ये जो नमक में पकाया जा रहा है ना, ये एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है पेशावर का। पेशावर में नमक मंडी है जहाँ पर गोश्त सिर्फ नमक के साथ पकाया जाता है। तो ये जो शेरी ने किया है कि ये रॉक सॉल्ट लिया है, रॉक सॉल्ट को इसने मीट के ऊपर डाला है, वो मीट इसके अंदर पकेगा और ये टेंडराइजर का काम भी करता है। इसकी बहुत लंबी कहानी है, इस रॉक सॉल्ट को ढूंढने के लिए हम लोगों को घोड़ों की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि ये इस पहाड़ में इतना बढ़िया रॉक है, सॉल्ट है। आपको पता है ये कहानी? पहाड़ चट्टन शुरू करता, तो एवरीबॉडी सॉ दैट कि ये क्या हो रहा है यार, ये पहाड़ को क्यों चाट रहे हैं। ओनली टू रियलाइज दैट दिस वाज द ब्लैक सॉल्ट दैट वाज इन द रॉक, and the horses were licking it for because they liked the taste of it. Yes. And since then you know for a fact that horses are served salt. Oh my god. And this is that rock salt that man found thanks to a horse. Wow. Wow, phenomenal.
You want me to keep moving it? We have to... You know, should we cover it at this stage? We have to add little water after we complete rendering the meat. Yeah. And then we'll cover it. Okay. So I will use the right techniques just the way yes, to do it. Yes, absolutely. Like this. So but the problem with this is going to be taking it off. Yes. So we will use... A technique to remove it out. But want to show you how it is exactly made in that side of Punjab. So they set a kadai which has no handles and then there is a smaller kadai placed on it and just cook in its own Do you remember what they call that? Sanni. Sanni, absolutely. They call it sanni. Main puchhe, main kya aajkal te lokan nu pata hi nahi hoega ki sanni ki hundi hai. I think now we will add the water and You're welcome. Okay. Yeah, haan ji. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਮੈਟੋ ਪਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਟ ਇਹਦੀ ਪਿਊਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਲੋ ਕੁੱਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਛਿਲਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਯੂਜ਼ ਰੈਡੀਮੇਡ ਟੋਮੈਟੋ ਪਿਊਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਕ ਹੀ ਸੈਡ ਰਾਈਟਲੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਟੂ ਟਰਨ ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਅ ਪਿਊਰੀ ਵਾਈਲ ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਵਾਚ ਦ ਟੈਕਨੀਕ डीजे जो कुछ पढ़ना था इसमें पढ़ गया अब आप सोचिए कि जब ये तैयार होगा तो इसका क्या बढ़िया टेस्ट होगा मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ मुझे तो ऑलरेडी खुशबू आ रही है बट आप अगर घर में बनाएंगे तो इसको फॉलो जरूर कीजिएगा वेरी सिंपल टू द पॉइंट रेसिपी हाँ जी कितने तक पहुंचे हैं मैंने लगता हम छिलके कड्डन बनाएंगे हाँ 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 हेलो हाँ गल गया ना सारा टमाटर देखे कमाल हो गया मनना पड़ेगा कि टमाटर बहुत बढ़िया गल लेने सर्दियां थे टमाटर ने हाँ कूले कूले ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਟਮਾਟਰ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸਕੋ ਭਾਫ ਮੇ ਗਲਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਕੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੇ ਡਾਲ ਦੀਜੀਏ ਛਿਲਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕੋ ਮਿਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘੋਟਾਂਗੇ तैयार महाराज दिस इज ऑल रेडी सो वी हैव द पेशावरी कढ़ाई ऑल रेडी तैयार है बिल्कुल और इसकी खुशबू अगर मैं आपसे शेयर कर सकूं तो मैं क्या बताऊं आपको आई मीन इसमें एक मिठास है इसमें ये मिर्चों का एक फ्लेवर है और अब ये नींबू डालने से इसमें एक सिट्रस एक वो भीनी भीनी सी खटास उठ रही है इसमें से अब इस गोश्त को जैसे शेरिन ने कहा है कि इसको खमीरी रोटी या बढ़िया नान या तंदूरी रोटी ताजी रोटी उतर दी हुई तंदूरियां रोटियां गरम गरम एंड डिप करो चर्बी दे विच थोड़ा जा मीट का टुकड़ा पाओ मूछ एंड लाजवाब